जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। नाउ स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। नाउ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इट इज़ अ टाइप ऑफ मशीन विच इज़ यूज टू ऑप्टेन एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को ऑप्टेन करने के लिए मशीन जो यूज़ होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। नाउ ECG, ओके, ECG दैट इज़ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। सो इट इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल जो है, अगर हमें उसको स्टडी करना हो, सो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, मीन्स यहाँ पे गैल्वेनोमीटर होता है, इलेक्ट्रोड्स होते हैं जिनको कनेक्ट किया जाता है, एंड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी यू कैन स्टडी द वर्किंग ऑफ द हार्ट। वह हम हार्ट प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं, तो यूजली हॉस्पिटल्स में यू मस्ट हैव सीन, ओके, जो है हमें कुछ एक ग्राफिकल इमेज दिखाई मिलती है, नाउ यू कैन सी इस तरह की, ओके, जो कि शो करती है हाउ द हार्ट इज़ वर्किंग। सो दिस इज़ ओनली अ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जिसको हम मेजर जिसको हम ऑप्टेन कर सकते हैं विद द मशीन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ओके। सो इन ऑर्डर टू ऑप्टेन अ स्टैंडर्ड ECG, ठीक है, इसको ECG भी कहते हैं, सो पेशेंट को इसके लिए क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है मशीन से, यही मशीन जिसके बारे में हमने बात की, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन, एंड विद द थ्री इलेक्ट्रिकल लीड्स, तीन इलेक्ट्रिकल लीड्स होती हैं, एंड ईच लीड इज़ कनेक्टेड टू एक रिस्ट को और एक लेफ्ट एंकल, ओके, मींस दोनों ही रिस्ट में और एक लेफ्ट एंकल में इसको कनेक्ट कर दिया जाता है, ओके, एंड दीज लीड्स कंटिन्यूसली दे रिप्रेजेंट अ ग्राफ, ओके, ग्राफ जिससे कि हम ये देख सकते हैं कि हार्ट जो है प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं। सो इन दिस वे यू विल गेट अ ग्राफ, ये जो आपको पीक दिख रही है, इन दिस वे आफ्टर दिस यू विल सी अनदर पीक, ओके, जो कि ये जो पीक है जो कि दिखा रही है एक कार्डियक साइकिल, ओके। सो इन दिस वे यू विल सी एट रेगुलर टाइम इंटरवल आपको इसी तरह की पीक्स दिखती हैं जो कि शो करती हैं कार्डियक, हम कह सकते हैं कार्डियक साइकिल, वन कार्डियक साइकिल शो करती है, ओके। नाउ इन ऑर्डर टू गेट, इट्स नॉट दैट कि सिर्फ थ्री लीड्स ही इलेक्ट्रिकल लीड्स कनेक्ट की जाती हैं, मल्टीपल लीड्स को भी अटैच कर दिया जाता है चेस्ट रीजन से, जिससे कि प्रॉपर फंक्शनिंग हमें पता कर सकें, ठीक है, ओके। नाउ ईच पीक इन द ECG दैट इज आइडेंटिफाइड विद द लेटर P to K, एज यू कैन सी दिस इज द लेटर P, ओके, एंड दिस इज द लेटर T। P टू T जो ये लेटर है, इसके बीच की जो भी एक्टिविटी आप देख रहे हो, ओके, सो दिस फ्रॉम P टू T दैट करस्पॉन्ड्स अ स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, ओके। P से लेके T तक जो है हार्ट एक्टिविटी को शो करता है, या तुम कह सकते हैं एक कार्डियक साइकिल को शो करता है, ओके। नाउ P वेव की बात करें, नाउ यू कैन सी दिस इज द P वेव, ओके। P वेव रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन, और या तो हम इसको ये भी कह सकते हैं डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया, ठीक है, जिसमें क्या होता है डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया, मींस एट्रिया यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ओके, कॉन्ट्रैक्शन होता है दोनों ही एट्रिया का। जब हमने कार्डियक साइकिल पढ़ी थी तो उसमें हमने पढ़ा था कि सबसे पहले जॉइंट डाइस्टोल फेज होता है, फिर एट्रियल सिस्टोल होता है जिसमें एट्रिया जो है कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एंड द ब्लड मूव्स इन टू द वेंट्रिकल, ओके, वेंट्रिकल में जो है, और यू कैन से जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड जो है मूव करता है वेंट्रिकल्स में, दोनों ही लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स में, ओके, तो इसको हम कहते हैं डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया, ओके, विच लीड्स टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द एट्रिया, ओके। देन यू कैन सी QRS कॉम्प्लेक्स, आप देख रहे हो P के बाद आपको दिख रहा है QRS, दिस इज Q, तो ये तो ये क्या शो कर रहा है P, दैट इज एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, जिसको हम बोलेंगे डीपोलराइजेशन। नाउ दिस Q to RS कॉम्प्लेक्स, इट रिप्रेजेंट डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, जो कि इनिशिएट क्या करेगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, सेमी ल्यूनर वॉल्स ओपन हो जाती है, ओके, एंड दिस कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट्स आफ्टर Q, यहाँ से ये है वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा, एंड इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल ये शो कर रहा है,
ओके. नाउ टी वेव्स आप देख रहे हो लास्ट में, दिस इज द टी लेटर यू कैन सी, जो कि जो है टी वेव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट द डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल. ठीक है, डीपोलराइजेशन, सॉरी, ये जो आपका टी वेव है इट रिप्रेजेंट द रिटर्न ऑफ द वेंट्रिकल फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेज. ठीक है, अब क्या हो गया, पहले ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुए, उसके बाद अब ये वेंट्रिकल्स हैं, दे विल रिटर्न टू देयर नॉर्मल स्टेट. ओके, तो हम इसको बोलते हैं रीपोलराइजेशन. रीपोलराइजेशन द एंड ऑफ द टी वेव्स, दिस टी वेव्स इट मार्क्स द एंड ऑफ द सिस्टोल, जो कि क्या मार्क करेगा, अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल ओवर हो गया है. ओके, सो बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ क्यू आर एस, हम ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स को काउंट करके, ओके, एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम वी कैन डिटर्मिन द हार्ट बीट रेट ऑफ एन इंडिविजुअल. हम इससे पता कर सकते हैं वेदर आर हार्ट इज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट. अगर हमको जो भी नॉर्मल रेट मिल रहा है 70 और 72 पर मिनट, दैट मीन्स हार्ट इज फंक्शनिंग नॉर्मली. ओके, नाउ ये जो ECG जो ऑप्टेंड होता है इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट इंडिविजुअल. ठीक है, डिफरेंट बट रफली जो हमें ये दिखता है, मीन्स ये जो आप इमेज देख रहे हो, ये जो वेव्स देख रहे हो, ये रफली सेम होता है सबका. ठीक है, टाइम पीरियड थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है बट यू विल गेट द सेम शेप. ओके, सो अगर कोई शेप में, अगर ये जो आपको दिख रहा है ये जो शेप, अगर इस शेप में डिविएशन है, दैट मीन्स कि देयर इज़ अ पॉसिबल एबनॉर्मैलिटी और डिजीज़, अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सम एबनॉर्मैलिटी और सम हार्ट डिजीज़, सो दैट मीन्स ही हैज़ टू कंसल्ट और ही हैज़ टू बी टेकन केयर. ओके, सो दिस इज़ हाउ ECG और जो ये जो आपने ग्राफ देखा इसको हम रीड करते हैं. ये सारी थ्योरी जो है दैट इज़ ऑफ दैट ओनली. डीपोलराइजेशन हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने डीपोलराइजेशन ऑफ ऑरिकल्स एंड डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल पढ़ा. उसके बाद रीपोलराइजेशन पढ़ा, जिसमें जो वेंट्रिकल्स थे दे रिटर्न फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेट, जिसको हमने रीपोलराइजेशन दिया था. ओके, सो इन दिस वे नाउ ये पूरा जो है, देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट जो है, इसमें आप देखेंगे कि पी वेव्स क्या शो कर रहे हैं. ओके, दैट इज़ द ऑरिकल कॉन्ट्रैक्शन, देन क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, दैट इज़ द कार्डियक साइकिल. ओके, सॉरी, वेंट्रिकुलर सिस्टोल शो कर रहा है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, जो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. एंड टी वेव्स जो है, टी जो लेटर है दैट इंडिकेट्स द रीपोलराइजेशन, मीन्स वेंट्रिकल अब रिलैक्स करेंगे, दे विल कम बैक टू देयर नॉर्मल स्टेट. सो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एंड हाउ टू रीड द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. ओके, सो दिस इज ऑल स्टूडेंट, थैंक यू एवरीवन.